everyone, welcome to online classes. Today I am going to teach you Shiva Chhatrapati Standard 4 Environmental Studies Part 2. इस सब्जेक्ट में हमने फर्स्ट नंबर का लेसन देखा था महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, यानी शिवाजी महाराज के जन्म के पहले महाराष्ट्र कैसा था वो हमने देखा था। इस लेसन पर जो एक्सरसाइज थी वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दी थी। सबने राइट की कि नहीं क्लास वर्क में? वेरी गुड। तो चलिए हम अभी सेकंड नंबर का लेसन देखेंगे, वर्क ऑफ द संत। यानी हमारे महाराष्ट्र में जो संत हो गए थे उन्होंने हमारे महाराष्ट्र में क्या कार्य किया वो हमको इस लेसन में देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अभी लेसन को। ध्यान से देना है, सब ध्यान से सुनना है सबने। द ट्रेडिशन ऑफ संत दैट बिगन इन महाराष्ट्र विद श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेळा वॉज कंटिन्यू बाय संत कमिंग फ्रॉम वेरियस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। देखिए हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हो गए, उन्होंने बहुत सारा कार्य भी किया है, लेकिन ये संत भारत के अलग अलग विभाग से हमारे महाराष्ट्र में आए थे। उनमें श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेळा ये संत थे। उनके साथ साथ और कौन संत थे वो हमको देखना है। इन दिस ग्रुप ऑफ संत आर इंक्लूडेड संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत निळोबा एक्सेट्रा। देखिए इन संतों के साथ साथ हमारे महाराष्ट्र में और कई संत हो गए थे। उनमें संत गोरोबा थे, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम एंड संत निळोबा ये संत भी थे। इन्होंने भी हमारे महाराष्ट्र में अच्छी कामगिरी की थी। सिमिलरली संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कानोपात्रा एंड संत बहनाबाई शिवरकर आर अल्सो इंक्लूडेड। देखिए इन संतों के साथ साथ हमारे महाराष्ट्र में महिलाएं संत भी हो गई थी। कौन कौन सी थी महिला संत? संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कानोपात्रा एंड संत बहनाबाई शिवकर आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ये महिला संत भी हमारे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो गए थे, उन्होंने भी हमारे महाराष्ट्र में अच्छी कामगिरी की थी। समझ में आया सबको? हाँ, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। दे टॉट पीपल वेरियस वर्च्यूज लाइक कॉम्पेशन, नॉन वायलेंस, चैरिटी सर्विस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। देखिए उन्होंने महाराष्ट्र में क्या कार्य किया था? करुणा, अहिंसा, दान की तरह लोगों को विभिन्न सदाचार, समानता और भाईचारा वो सिखाते थे। लेकिन देखिए लोगों को वो क्या सीख देते थे? करुणा, अहिंसा और दान की तरह उनके विभिन्न सदाचार, समानता वो लोगों के मन में पैदा करते थे। नो वन इज इन्फीरियर, नो वन इज सुपीरियर। देखिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ऑल आर इक्वल, सब कैसे है? सब बराबर के है। सच वॉज द सेंटिमेंट दैट वॉज क्रिएटेड बाय संत इन द माइंड्स ऑफ पीपल। देखिए वो लोगों के मन में भावना जगाते थे। कौन सी भावना जगाते थे? एकता की भावना वो जगाते थे। सिमिलरली समर्थ रामदास अल्सो रेंडर्ड हिज वर्क इन महाराष्ट्र। देखिए हमारे महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ये भी एक संत प्रसिद्ध है, उन्होंने भी हमारे महाराष्ट्र में आकर अच्छा कार्य किया था। उनका कार्य हम आगे देखेंगे। चलिए तो हमें अभी संत के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए आपको नीचे एक पिक्चर दिया है, कौन है ये? श्री चक्रधर स्वामी। कौन है? श्री चक्रधर स्वामी।
देखिए अभी हम इनके बारे में देखेंगे, श्री चक्रधर स्वामी ने क्या किया वो हम अभी देखने वाले हैं। चलो हम आगे बढ़ेंगे। अभी श्री चक्रधर स्वामी, श्री चक्रधर स्वामी वॉज ओरिजिनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात। देखिए श्री चक्रधर स्वामी कहाँ के थे, वो गुजरात के थे, गुजरात राज्य के थे, गुजरात राज्य के प्रिंस थे वो, यानी महाराज थे, मूल रूप से वो पूर्वज थे। ही बिकेम एन एसेटिक एंड केम ओवर टू महाराष्ट्र। देखिए वो एक प्रिंस थे, उसके साथ साथ वो तपस्वी भी थे और वो महाराष्ट्र में आ गए थे। ही मूव ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रीचिंग इक्वेलिटी। देखिए उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में आकर सब लोगों को एकता का संदेश दिया। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस ऑन जेंडर और कास्ट। देखिए उन्होंने लिंग और जाति भेद नहीं किया, पुरुष और स्त्री में भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। सो सेवरल मैन एंड वुमेन बिकेम हिज फॉलोअर्स। तो देखो वो लिंग और जाति भेद नहीं करते थे, वो भेदभाव नहीं करते थे, तो इसलिए वहाँ के लोग यानी पुरुष और स्त्री उनको फॉलो कर रहे थे। द सेक ही एस्टेब्लिश इज नोन एज महानुभाव सेक्ट। देखिए उन्होंने कौन से सेक्ट की स्थापना की थी, महानुभाव सेक्ट, किसकी स्थापना की थी, महानुभाव सेक्ट की, यानी महानुभाव पंथ की उन्होंने स्थापना की थी। मेमोरेबल इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंबाइंड इन अ बुक टाइटल लीला चरित्र। मेमोरेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन अ बुक टाइटल लीला चरित्र। देखिए उनके जीवन में उनको जो एक्सपीरियंस आए थे, जो इंसिडेंट्स आए थे, वो उन्होंने एक किताब में लिखे थे। उस किताब का क्या नाम था, लीला चरित्र। क्या नाम था उस किताब का, लीला चरित्र। तो देखिए चक्रधर स्वामी ने हमारे महाराष्ट्र में आकर क्या किया, ये हमने यहाँ पे देखा। समझ में आया सबको, वेरी गुड। चलो तो हम आगे बढ़ेंगे। अगले संत है संत नामदेव। देखिए नीचे पिक्चर दिया है संत नामदेव, कौन है ये संत नामदेव। संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विठ्ठल। देखिए संत नामदेव कौन से गॉड के भक्त थे, विठ्ठल। विठ्ठल गॉड सबको पता है ना, पंढरपुर में इनका मंदिर है, मालूम है ना सबको। हाँ आषाढ़ी एकादशी को सब वहाँ पे दर्शन के लिए जाते थे। तो ये जो विठ्ठल गॉड है इनके वो बहुत बड़े भक्त थे। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है सबको, ये कौन है आपको दिखाई दिया सबको, ये है विठ्ठल गॉड, इनके ये बहुत बड़े भक्त थे। कौन, संत नामदेव। ही लिव इन द विलेज नरसी। वो कौन से गांव के थे, नरसी गांव के थे। ही कंपोज न्यूमरस सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। देखिए वो गाना भी लिखते थे और भजन भी गाते थे, गाना भी गाते थे भजन भी गाते थे। परफॉर्म कीर्तन्स सॉन्ग्स एंड स्टोरीज बेस रिलीजियस थीम। देखिए कीर्तन, वो कीर्तन भी करते थे, कीर्तन पता है ना सबको। हाँ हमारे गांव में कीर्तन करने के लिए जो बाहर से लोग आते हैं वैसा कीर्तन ये संत नामदेव भी करते थे।
लेकिन कीर्तन के साथ साथ वो गाना भी गाते थे और स्टोरी भी लोगों को बताते थे। गाना गाकर स्टोरी बताकर लोगों के मन में भावना जगाते थे, अच्छी अच्छी बातें वो बताते थे। एवरीवेयर एंड ब्रॉट अबाउट जनरल अवेकनिंग अमंग द पीपल। देखिए, लोगों के मन में वो जागरूकता निर्माण करने का कार्य करते थे। यानी देखिए, वो जो कीर्तन करते थे तो कीर्तन में गाना गाकर स्टोरी बताकर लोगों के मन में जागरूकता निर्माण करते थे। ही मूव ऑल ओवर महाराष्ट्र टू स्प्रेड भागवत धर्म एंड टॉट द पीपल डीप डिवोशन टू गॉड। देखिए, उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ भागवत धर्म का भी प्रसार किया और लोगों को भगवान के प्रति भक्ति का मार्ग दिखाया। यानी भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, ऐसा मार्ग उन्होंने लोगों को दिखाया। ही इंस्टिल इन देम द डिज़ायर टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन। उनके धर्म को प्रोटेक्ट करने की भावना लोगों के मन में जगाई। धर्म को प्रोटेक्ट करने की भावना यानी अपने धर्म की रक्षा करने की भावना उन लोगों के मन में उन्होंने जगाई। संत नामदेव लेटर ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमिलिटी। देखिए, वो भारत भर ट्रैवल करते थे, प्रवास करते थे। भारत की हर जगह पर वो जाते थे और वहाँ जाकर लोगों के मन में इंसानियत का संदेश पैदा करते थे। यानी लोगों को बताते थे कि इंसानियत से बड़ा कोई नहीं है। ही ट्रैवल टू द पंजाब एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी अमंग द पीपल देयर। देखिए, वो पंजाब को भी गए थे और पंजाब में जाकर उन्होंने इक्वालिटी स्प्रेड करने का मैसेज लोगों को दिया। ही कंपोज सॉन्ग्स इन हिंदी। देखिए, उन्होंने हिंदी में गाने लिखे थे। इवन टुडे सम ऑफ हिज वर्सेस आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब द होली बुक ऑफ द सिख। देखिए, सिख लोग मालूम है ना आपको, तो सिख लोगों का जो पवित्र ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिब। ये सिख लोगों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में भी उन संत नामदेव ने अपने श्लोक लिखे थे। हिज सॉन्ग्स आर स्टिल संग ऑल ओवर महाराष्ट्र विद ग्रेट लव एंड डिवोशन। देखिए, उनके गाने बड़े प्यार और भक्ति से आज भी गाए जाते हैं। लोग बड़े प्यार से उनके गाने गाते हैं। क्या क्या किया था संत नामदेव ने? मानव धर्म एक है, यह संदेश लोगों के मन में जगाया था, इंसानियत का रास्ता दिखाया था। उसके साथ साथ वो जागरूकता निर्माण करने का भी कार्य उन्होंने लोगों के बीच में किया था। ऐसे थे हमारे ये संत नामदेव। समझ में आया सबको? वेरी गुड। तो देखिए, हमने आज दो संतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक थे श्री चक्रधर स्वामी, दूसरे थे संत नामदेव। तो आपने क्या करना है, ये जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया वो सिर्फ यहाँ तक आपने लर्न करना है। अगले वीडियो में हम अगले संतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।